केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने सोमवार को बंद का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा के बंद का असर अब्दुल्लागंज में भी देखा गया। नगर का लगभग 80% बाजार बंद रहा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने 10 घंटे के लिए बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें तकरीबन 40 किसान संगठन शामिल हैं, सोमवार को देश भर में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद का कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, TDP, BSP, लेफ्ट दल, स्वराज इंडिया आदि ने समर्थन किया है। हम सब जानते हैं, पिछले 10 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। उन्हीं के जो कृषि कानून बनाए गए हैं, जो कि हम किसानों के ऊपर लाद दिए गए हैं सरकार, 10 महीने के प्रदर्शन के बाद भी अभी तक उन कानूनों पे सरकार ने किसी तरह का निर्णय नहीं दिया है, स्पष्ट करे कि वो वापस लेना है या नहीं लेना है। उसी के विरोध में आज 27 तारीख को राष्ट्रव्यापी भारत बंद बुलाया गया था, जहाँ पर सभी संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में अब्दुल्लागंज भी लगभग 80-90% इस समय बंद है। इसके लिए हम सभी व्यापारी संगठनों और सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करते हैं। मैं संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। आज जिस तरह दिल्ली की सरहद पर किसान अपनी मांग को लेकर 10 माह पूर्ण हुए हैं, 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी आहूति इस आंदोलन में दे दी है। आज 3 कृषि काले कानून जो मोदी सरकार ने पास करे, उसी के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान था। और पूरे देश में आज भारत बंद हुआ, उसी को उपलक्ष में अब्दुल्लागंज नगर में हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के द्वारा हमने नगर बंद कराया है, और आगे भी किसानों के हितों के लिए नगर के संपूर्ण लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, उनकी मांग उठाते रहेंगे, जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते। चाहे सड़कों की लड़ाई हो, चाहे संसद की लड़ाई हो, हम किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।